हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में, जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। और वही आए हैं तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कैसे रिजल्ट्स है, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, ताकि उस हिसाब से आप देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर। सबसे पहले देखेंगे तो 101 के ऊपर क्लोज हुआ है, लगभग 100 के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है। और सुबह का अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था इस स्टॉक के अंदर, और लगभग ये 109 के ऊपर गया था। इसका जो आज का हाई है लगभग 109.30 का है, तो काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। और इनके जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कैसे नतीजे आए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 बजे के बाद जो है इसके अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और ये लगभग 100 रुपए के करीब, 95 इसने आज का लो बनाया है, तो फिर से रिकवर करके 100 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। और इसके जो नतीजे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने फाइनेंशियल जो इनका रिपोर्ट आज डाला है इन्होंने, पीसी ज्वेलर्स ने, तो उसका पूरा डिटेल निकाला है। तो इसके अंदर जून क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर का और जून 2017 क्वार्टर का भी इसके अंदर डिटेल अवेलेबल है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2423 है, और मार्च क्वार्टर से भी बड़ा है। मार्च में 2103 था, जून 2017 में 2118, जो कि काफी बेहतर आया है। अदर इनकम 32 है, मीन्स पहले से भी दोनों तरफ से अच्छा अदर इनकम है। और इनके अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो बड़े हैं, लगभग टोटल एक्सपेंसेस 2261 है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 193 का है, पहले था 134 और पहले था 190 का जून 2017 में। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 141.93 का है, और मार्च क्वार्टर में 118 का था, और उससे पहले 135.82, ये जून 2017 में। तो रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं दोनों तरफ से। थोड़ा जो प्रॉफिट है वो मार्च क्वार्टर और जून 2017 के क्वार्टर से भी बड़ा है। तो इसका अगर आप देखेंगे ईपीएस तो 3.60 है, पहले था 3.13 और 2017 में 3.79 के करीब था। और इनका जो सेक्शन 2 है, लगभग रेवेन्यू रिजल्ट एंड असेट्स एंड लाइबिलिटीज का है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स फ्रॉम द सेगमेंट है, एक्सपोर्ट्स 807 का है, डोमेस्टिक 1615 का है, और जो कि जो एक्सपोर्ट मार्च क्वार्टर में था 302 का, उससे बड़ा है, और जो 2017 में था 735 का, तो उससे भी बड़ा है। तो उसी कारण जो है इनके जो नेट रेवेन्यू है वो बड़े हैं। और इनकी अगर आप लाइबिलिटीज देखेंगे तो पहले से थोड़ी कम हुई है, तो मार्च क्वार्टर में 5035 के करीब थी और अब 4609 के करीब है। तो लाइबिलिटीज भी कम हुई हैं, और 2017 में देखेंगे तो 4128 के करीब थी लाइबिलिटीज। तो 2017 के मुकाबले इस बार थोड़ी लाइबिलिटीज ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही आए हैं, ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं आए, तो उसी हिसाब से ये स्टॉक चलेगा। अगर आप देखेंगे तो ये मिडल आप बोल सकते हो रिजल्ट को। तो आज इसी के बारे में बताना था, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। और काफी लोग वेट कर रहे थे पीसी ज्वेलर्स के रिजल्ट के लिए, और वो आज अल्टीमेटली आया है, ताकि सभी जो इंतजार कर रहे थे वो जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।